गाइस, दिस इज साजित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साजित गाओंकर ऑफिशियल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अंशी वाटरफॉल्स में। आपको दिखाएंगे अंशी वाटरफॉल्स कैसे दिखता है, वो सब चीज़ें दिखाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आप अंशी वाटरफॉल्स जा रहे हो, वहाँ से पास हो रहे हो, तो रात से पहले वहाँ से क्रॉस हो जाना। मतलब रात में वहाँ पे गैरेज वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि अंशी एक घाट सेक्शन है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो रात से पहले वहाँ से पास हो जाना। और एक ध्यान में रखना, अगर आप वहाँ से पास हो रहे हो तो आपको जंगली जानवर बहुत दिखने मिल जाएंगे। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो चलते हैं, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अराउंड से अराउंड आधा घंटे का सफ़र तय करके हम लोग गाड़ी पे आए थे। तो यहाँ पे बस भी जाती है। हमारे साथ रिलैक्सन है, जो आप लोगों को रोज़ वीडियो में देखने मिलता ही होगा। तो कैसा है रिलैक्सन? ठीक हूँ। चलते हैं आगे। अगर आप पर्सनल व्हीकल है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे वीडियो में।
लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं अंशी वाटरफॉल्स में। बहुत ही एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वैसे कि, और यहाँ पे मैं वाटरफॉल दिखा देता हूँ। एक घंटा लगा यहाँ पहुँचने के लिए, एक डेढ़ घंटा, तो आप गाड़ी लेके आ रहे थे, एक डेढ़ घंटे में आराम से पहुँच जाओगे। और ये वाटरफॉल है, जैसे कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं और आप भी इस टूरिस्ट स्पॉट को विजिट कर सकते हैं कभी भी। बारिश में इसका मज़ा है और बाकी समय में इधर भी पानी गिरता है, उतना पानी नहीं गिरता है जितना चाहते उसमें, और मज़ा आया होगा आप सभी लोगों को। बारिश में है तो आप जैसे कि आते हो तो यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह देख सकते हो। ये वाटरफॉल है, वो साइड का पानी यहाँ पे नीचे गिरता है, दिखाना चाहता हूँ तो देख लो। और ऐसे टूरिस्ट वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा, ये वाटरफॉल यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच के जाते हैं। और आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए। हेलो, तो क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, यहाँ पे आ रहे हो तो आगे दांडेली है। दांडेली आप लोगों ने देखा होगा, कर्नाटक टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है और ये भी कर्नाटक टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप दांडेली आ रहे हो तो एक काम करना, वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह आपको नहीं मिलती है। बुकिंग्स वगैरह चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो आप सब लोग, और वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। दोस्ती है तो आपको बहुत बड़े डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे। तो सीज़न में बहुत ही भीड़ रहती है, मतलब आपको टेंट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, होटल रूम वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है मैं बता देता हूँ। पहले तो रिवर राफ्टिंग आप एंजॉय कर सकते हो, उसी के साथ साथ बाद में बोटिंग हो गया और कैंप फायर, और उसके साथ साथ ट्रैकिंग, साइकिलिंग, सभी एडवेंचर स्पोर्ट जो भी है, तो आपको मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा करोगे आप। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है दांडेली ट्रिप बुकिंग की, वहाँ पे जाके विजिट करना। तो उसका नाम है शुभम, वो आपको पूरी जानकारी देगा और सही तरीके से बताएगा। तो जब भी बारिश वगैरह गिरती है तो स्लिपर ही ज़्यादा हो जाता है रास्ता, तो अगर आप टू व्हीलर लेके आ रहे हो या फोर व्हीलर लेके आ रहे हो तो ध्यान से, मतलब स्लिप होने का चांस बहुत है। आपको ये नज़ारा कैसे लगा मुझे बताना कमेंट में। और मेरे थोड़े दोस्त मिले थे यहाँ पे, दिख रहा होगा, और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्हें बहुत ही कोऑपरेट किया हमारे साथ। और ऐसे ही दोस्त मिलने चाहिए आपको जब भी आप लोग कौन से भी टूर पे जा रहे हैं, कौन से भी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ध्यान से। तो इतनी थी हमारी वीडियो, और सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो वगैरह खींच ली थी हमारी वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को, और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो मेरे अन्य टिप्स आपको मिलते रहे दोस्तों, दिख रहा है आपको। तो चलते हैं, मिलते हैं हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलो।